हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं एडेनियम की कुछ सीड्स ग्रो करने वाला हूं और आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं इनको कैसे ग्रो करने वाला हूं। ये मेरे एडेनियम के ओवेसम के सीड्स हैं जो कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए हुए हैं और आज इसी सीड्स को मैं ग्रो करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक प्लास्टिक का पॉट ले रहा हूं जिसके नीचे ड्रेनेज होल काफ़ी अच्छा हो और उसके बाद उन ड्रेनेज होल को मैं कंकड़ के कुछ टुकड़ों से कवर कर देने वाला हूं जिससे हमारा पॉटिंग मिक्स ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने पाए और जो ज़्यादा पानी हो जाता है पॉट में वो पानी तो निकल जाएगा लेकिन हमारा पॉटिंग मिक्स वो ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर नहीं निकलने पाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं जो पॉटिंग मिक्स यूज़ करने वाला हूँ एडेनियम के सीड्स ग्रो करने के लिए वो मैं सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट लेने वाला हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है तो आप सैंड भी ले सकते हैं। सैंड जो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ऑरेंज कलर वाली, वो आप सैंड ले सकते हैं। सैंड बसरते आप उसके अच्छे से साफ़ कर लें, इसमें कोई भी वीड के सीड्स ना हो या फिर कोई भी गंदगी ना हो, मिट्टी ना हो उसमें और ना ही जो है उसमें कोई फंगस वाला आइटम हो। तो फिलहाल मैं कोकोपीट लेने वाला हूँ। कोकोपीट मैंने अच्छे से तैयार किया हुआ है और इसी कोकोपीट को मैं इसमें फिल कर लूँगा। कोकोपीट हमने अच्छे से फिल कर लिया है, इसके बाद एक अच्छे से बेडिंग तैयार कर लेंगे प्रेस करके, जिसे जब हम इसके ऊपर सीड्स लगाएं और इसके ऊपर पानी दें उसके बाद वो कोकोपीट एडजस्ट होने के लिए कहीं बैठे ना, तो इसे हम अच्छे से बेडिंग तैयार कर लेंगे। और बेडिंग तैयार करने के बाद इसको हम एक बार अच्छे से पानी भी दे देंगे। एक बार अच्छे से पानी देने के बाद जब पानी उसके ड्रेनेज होल से बाहर निकलना शुरू हो जाए तब हम पानी देना बंद कर देंगे और इसके बाद अपने सीड्स को इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। और एक चीज़ ख्याल रहे, अगर आपके सीड्स पुराने हैं काफ़ी दिनों के हैं तो आप उनको एक बार पानी में भिगो भी लें, क्योंकि ये सीड्स मेरे अभी नए हार्वेस्ट किए हुए हैं तो इनको मैं पानी में भिगो नहीं रहा हूँ। अगर आपके सीड्स पुराने हैं तो लगभग 24 घंटे के करीब उनको आप पानी में भिगो के रख दें, उसके बाद ही आप उन सीड्स को लगाएं। मैंने सारे के सारे सीड्स इस पे बिछा दिए हुए हैं। और एक सवाल जो और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि ये सीड्स हम लगाएं कब। तो विंटर को छोड़ करके आप इन सीड्स को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो तो उस टाइम ना करें और विंटर में ना करें, बाकी गर्मियों में आप कभी भी इनके सीडलिंग कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी मई जून के महीने में, थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन जिस मेथड से मैं ग्रो करता हूँ उसमें गर्मियों में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। तो विंटर को छोड़ करके, क्योंकि विंटर में एडेनियम के प्लांट डोरमेंसी में होते हैं, विंटर को छोड़ के आप कभी भी एडेनियम के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब इनके ऊपर एक सीड जो हमारा कोकोपीट है उसकी एक हल्की सी मल्चिंग कर देंगे जिससे हमारे सीड्स कवर हो जाएं। इसके बाद हम इसके ऊपर एक बार फिर से पानी का स्प्रे कर देंगे और हम पानी के में जो पानी का बॉटल है इसमें पानी के अंदर जो है हम थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी ऐड कर देंगे जिससे हमारे प्लांट जो सीड्स हैं उन्हें फंगस ना लगने पाए, क्योंकि फिलहाल कोकोपीट में फंगस नहीं लगने पाता है। फिर भी हम रिस्क ना लेते हुए इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। अगर आप सैंड में सीडलिंग कर रहे हैं तो आप फंगीसाइड पाउडर जरूर ऐड कर दें। इसके बाद हम अपने पॉट को किसी पॉली बैग से कवर कर देंगे जिससे इसमें डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम ना होने पाए। और इसको किसी ऐसे लोकेशन पर रख देंगे जहाँ पे मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसे मिल जाए, क्योंकि अगर आपके प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी तो आपके बेबीज लैगी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पतले होंगे, पतले होकर लंबे होने लगेंगे और कुछ दिनों के बाद वो मर जाएंगे। तो आप हमेशा ये ख्याल जरूर रखें, कोई भी सीडलिंग आप करें तो उनको अच्छी खासी डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर आपके बेबीज़ को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो लैगी हो जाएंगे। लैगी का मतलब ये होता है कि आपके प्लांट अपनी सारी की सारी पावर अपनी हाइट बढ़ाने में लगा देंगे कि उनको कहीं से धूप मिल जाए। जब आप अपनी सारी ताकत वो हाइट बढ़ाने में लगा देंगे और उसके बाद भी उनको धूप नहीं मिलेगी तो वो प्लांट आपके धीरे धीरे मर जाएंगे। तो हम वेट कर लेते हैं कुछ दिनों का, देखते हैं सीडलिंग जर्मिनेट कैसे होती है। फ्रेंड्स, आज मुझे सीडलिंग के हुए 7 दिन हो चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अंदर कुछ स्प्राउट्स दिख रहे हैं, तो इस पॉलीबैग को हटा देते हैं और इसे परमानेंट नहीं हटाना है, अभी मैं खाली आपको हटा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। पॉलीबैग को आप तब तक मत हटाइए जब तक आपके प्लांट स्थिर ना हो जाए, अच्छे से सेट ना हो जाए, कुछ उसमें पत्तियाँ आ ना जाएँ, ट्रू लीव्स ना आ जाए, तब तक आप पॉलीबैग को ना हटाएं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि पॉलीबैग के अंदर आपका प्लांट मर जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपका
प्लांट पॉली बैग के अंदर ज़्यादा सेफ है बाहर की एनवायरनमेंट की अपेक्षा। आपको पानी नहीं देना पड़ता है, इसको आप ये टेंशन नहीं होता है कि बाहर की लू इनको लग जाएगी, क्योंकि गर्मियों में ही इनकी सीडलिंग होती है और गर्मियों में लू वाली प्रॉब्लम भी होती है। तो ये आप पॉली बैग के अंदर रखें तो ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। एक बार आपका प्लांट सेट हो जाए उसके बाद आप पॉली बैग हटा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं पॉली बैग को हटा देता हूँ दिखाने के लिए आपको रिजल्ट। तो फ्रेंड्स ये हैं वो एडेनियम के सीड्स जो कि सीड कवर को तोड़ करके उग चुके हैं और इनमें कुछ पत्तियां भी आपको दिख रही होंगी। तो इनके जो प्लांट बेबी प्लांट होते हैं काफ़ी क्यूट लगते हैं देखने में, क्योंकि मोटा सा कॉडेक्स होता है और काफ़ी छोटे से प्लांट में काफ़ी मोटा सा कॉडेक्स देखने में थोड़ा सा अलग सा लुक आता है। तो जब इनमें लगभग 4 से 5 पेयर हो जाएंगे पत्तियों के, इनको मैं यहाँ से निकाल करके किसी नए पॉट में शिफ्ट कर दूँगा नए पॉटिंग मीडिया के साथ। फिलहाल रिपोर्टिंग वाला वीडियो भी मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, जब मैंने लास्ट टाइम सीडलिंग किया था एडेनियम का उसका मैंने रिपोर्टिंग का वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मैं कोशिश ये करूँगा कि किसी एडेनियम के सीड सेलर से कॉन्टैक्ट करके उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ। अगर मुझे कोई सीड सेलर मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर अभी नहीं मिलता है तो इन फ्यूचर में कभी भी डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा नंबर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सुझाव है, कोई भी सवाल है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।